धीरे धीरे टूट करके गिरता है, टूटने के बाद क्या होता है वही नदी का निर्माण करता है। देखिए सबसे पहले संतोष पथ है गंगोत्री के निकट है, संतोष पथ, संतोष पथ से बद्रीनाथ में वहाँ से क्या होता है कि गंगा निकलती है जिसको हम लोग विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। उधर से जाओ यहाँ पे क्या होता है विष्णु गंगा निकलती है और यहाँ से भौली गंगा निकलती है। ध्यान रखिएगा सब, यहाँ से विष्णु गंगा और यहाँ से भौली गंगा और जिस पॉइंट पे आकर के मिलती है, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ जिसका नाम चेंज हो जाता है इसको प्रयाग बोलते हैं। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल, जहाँ पे नदियाँ आकर के क्या करती हैं मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं विष्णु प्रयाग, इसको विष्णु प्रयाग मिलन नहीं है, यहाँ पे जो प्रयाग हो रहा है मिलन हो रहा है तो इसको हम लोग विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अब यहाँ पे ज्योग्राफी में एक चीज ये रूल होता है कि अगर दो नदी आपस में चल रही है इधर से और इधर से और इसकी गहराई सेम है, ठीक है, अगर दोनों नदियों का गहराई सेम है एकदम बराबर है तो इन दोनों नदियों आपको आगे बढ़ाने के लिए एक अलग नाम दे दिया जाता है। उस नाम से वो क्या करेंगे अलग बढ़ेंगे, इसको एक नाम दे दिया जाता है। क्या इस नदी का नाम दे दिया गया अलग नंदा, क्या इसको अलग नंदा के नाम दे दिया गया यहाँ से लेकर के विष्णु प्रयाग अलग नंदा नाम से क्या होगी आगे बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे और नदी निकल करके आती है इधर से और आकर के यहाँ पे मिलती है, इस पॉइंट पे आकर के मिलती है कौन सी नदी नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी क्या होती है यहाँ से आकर के मिलती है इस पॉइंट में, ये यहाँ पे मिलती है। तो देखिए ज्योग्राफी क्या कहता है, ज्योग्राफी ये कहता है कि अगर इस नदी की गहराई से बराबर है तो फिर यहाँ पे नाम क्या होगा नदी का चेंज हो जाएगा बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये नदी इस नदी से क्या है ज्यादा गहराई नहीं है, ये वाली ही नदी क्या है ज्यादा गहरी है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका नाम चेंज नहीं होगा, फिर पहले वाले पुराने वाले नाम से ही आगे बढ़ेगी। फिर यहाँ पे मंदाकिनी यहाँ पर क्या करके खत्म हो गई, फिर नाम से आगे बढ़ी अलग नंदा के नाम से फिर आगे बढ़ी और फिर यहाँ से एक नदी आती है आकर के यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आकर के जो मिलती है ये कौन सी नदी है पिंडार, ठीक है, पिंडार नदी ये आकर के यहाँ पे मिलती है जिसको बोलते हैं पिंडार नदी, ठीक है। तो पिंडार नदी आकर के अलग नंदा से मिली और अलग नंदा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये भी ये नदी इस नदी से गहरी नहीं है, ठीक है, फिर अलग नंदा के नाम से क्या होगी आगे बढ़ेगी। अब देखिए ये आगे बढ़ गई और ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि केदारनाथ से एक नदी निकलती है, केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन मंदाकिनी नदी, जिसको हम लोग बोलते हैं मंदाकिनी। तो मंदाकिनी यहाँ से केदारनाथ से निकली आकर के यहाँ पे मिली, ठीक है, यहाँ पे मिली। तो यहाँ से क्या होता है मंदाकिनी का भी गहराई उतना नहीं है जितना अलग नंदा का है, ठीक है, अलग नंदा का और मंदाकिनी का गहराई अलग नंदा का ही ज्यादा है, तो अलग नंदा की गहराई ज्यादा होने के कारण यहाँ भी अलग नंदा क्या होगा कि अलग नंदा नाम से ही आगे बढ़ेगी। और फिर यहाँ पे उत्तर काशी से यहाँ से देखिएगा उत्तर काशी से एक नदी चलती है जिसको हम लोग भागीरथी बोलते हैं, ठीक है, भागीरथी जो नदी होती है, ठीक है, ये निकलती है उत्तर काशी से और निकलने के बाद क्या होती है कि यहाँ पे आकर के अलग नंदा से मिलती है और यहाँ पे अलग नंदा और भागीरथी की गहराई एकदम बराबर है, सेम है, जिसके कारण अब सेम है तो ज्योग्राफी के अनुसार यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि अलग नंदा हो गई, अलग नंदा और भागीरथी की जो गहराई है वो बराबर है, तो बराबर होने के बाद जो नाम दे रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यही पे जाकर के गंगा नदी, ठीक है। अब एक और चीज देखिए कि प्रयाग क्या होता है, ये भौली नदी और विष्णु नदी जहाँ पे मिली उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलग नंदा जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग, मतलब नंद नदी यहाँ पे आगे आकर के मिलती है इसको बोलते हैं क्या नंद प्रयाग, ठीक है। और फिर पिंडार नदी आकर के फिर अलग नंदा से यहाँ पे मिलती है, ये भी तो मिलन स्थल है ना, यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ पे ये जो इसको जो नदी बन रही है यहाँ पे इस जो मिलन स्थल बन रहा है इसको बोलेंगे कौन सा, इसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं, ये वाले
ये वाली जो नदी है केदारनाथ मंगलागिरी की नदी क्या है, इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। इस मिलन स्थान को क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। और जो पिंडार नदी यहाँ पर मिलती है इसको बोलते हैं लोग विकर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? ठीक है। और देखिए फिर भागीरथी आकर के यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है, तो अलकनंदा से जो मिलती है भागीरथी आकर के इसी को बोलते हैं कि कौन सा? देव प्रयाग। ठीक है। इसको भांगी नदी बोलते हैं यहाँ पर कि भागीरथी से मिलती है, इसकी गहराई उतनी नहीं है तो इसको यही पे खत्म कर दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो नदी दिखाई दे रही है ये क्या है? सबसे पहले ग्लेशियर जब पिघलता है तो पिघलने के बाद बंद से एक जगह से जहाँ जगह का नाम है संतोपर। कौन सा नाम है? संतोपर। संतोपर से एक नदी निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग कौन? विष्णु नदी। ठीक है। बद्रीनाथ से निकलती है उसको बोलते हैं हम विष्णु नदी। और इधर से भौली नदी निकलती है। ठीक है। विष्णु नदी और भौली गंगा एक साथ जिस स्थान पर मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और यहाँ पे देखिए एक बार फिर समझिएगा यहाँ पे क्या होता है कि विष्णु नदी, विष्णु गंगा और भौली गंगा की गहराई सेम है, एकदम बराबर है। और इसके अनुसार बराबर होने के साथ साथ जियोग्राफी में भूगोल में भी ये मान्यता है, भूगोल का रूल है कि जहाँ पे क्या होता है कि नदी का गहराई बराबर होगा वहाँ पे उसका नाम क्या कर दिया जाएगा? चेंज कर दिया जाएगा, उसका नाम अलग नाम दे दिया जाएगा। उस अलग नाम से क्या होगी? आगे बढ़ेगी। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे इस नदी पे मिली उसका नाम है क्या? विष्णु प्रयाग। और इधर से यहाँ से जब ये नदी निकल कर निकल रही है इसका नाम है क्या? अब इसको नाम से अलकनंदा के नाम से जानेंगे। अलकनंदा में एक और नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम है नंदाकिनी। ठीक है। नंदाकिनी आकर के मिलती है जहाँ पे मिलती है उस स्थल को हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक है। जहाँ पे आकर के मिलती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और फिर इसकी गहराई अलकनंदा से कम होने के कारण फिर से अलकनंदा के नाम से क्या होती है? आगे बढ़ती है। और फिर कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है? पिंडार नदी आकर के इससे मिलती है। ठीक है। पिंडार नदी जब आकर के मिलती है तो इसके जहाँ पे वो मिलता है यहाँ पे जो इसका मिलन स्थल है इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। ठीक है। कर्ण प्रयाग हम लोग बोले फिर कर्ण प्रयाग की जो गहराई है अलकनंदा से क्या है? कम है। कम होने के कारण फिर आगे बढ़ेगी किससे? अलकनंदा के नाम से। अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे देखिए केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आकर के मिलती है इसको बोलते हैं हम लोग रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी का जो मिलन स्थल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग इसको बोलते हैं। और फिर ये क्या होता है कि मंदाकिनी की गहराई अलकनंदा से काफी क्या है? कम है। कम होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? फिर अलकनंदा के नाम से क्या होगी? आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद देखिएगा यहाँ से भागीरथी निकल चलती है। भागीरथी चलने के बाद यहाँ मिलती है अलकनंदा से देव प्रयाग मिलती है। और अलकनंदा और भागीरथी दोनों की गहराई सेम होने के कारण होने के कारण और नाम देना पड़ता है भूगोल के अनुसार जिसको हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। तो आप लोग बताइए गंगा बनती है कि गंगा निकलती है? गंगा नदी बनती है। अब मुझे क्वेश्चन गंगा नदी बनती है। ठीक है।